अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो जी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यह है सुबह का टाइम, 9:15 या 9:30 का टाइम हो रहा है और मैं नाश्ते से भी फारिग हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि खाना बना लिया जाए, सुबह ही मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। तो आज मैं जो रेडी करूँगी, हंजई कबाब की भी रेसिपी दूँगी। चिकन के हंजई कबाब बनेंगे आज, और ये मैं बना रही हूँ अभी। मूंग की जो सूखी दाल होती है ना, फरेरी दाल बोलते हैं उसको, मूंग की जो सूखी दाल होती है, तो वो रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैं ये प्याज अभी ब्राउन करूँगी, आधी निकाल लूँगी, आधी इसी में रहने दूँगी। अच्छा जी, ये दाल मैंने 1 घंटे पहले भिगो दी थी, जब मैं बच्चों को स्कूल भेज रही थी ना, 7 बजे के टाइम मैंने इसको भिगो दिया था 1 से 1.5 घंटे पहले। और ये अच्छी सी फूल भी गई है अब, और ये फ़ौरन से यूँ ही थोड़े से पानी में दम पे आ जाएगी। यहाँ ये मैं मसाले रेडी कर रही हूँ। अभी मैंने ये लहसुन चॉप करके रखा है, अदरक काटी है, इसमें गोल वाली मिर्चें जाएंगी, इसमें हरी मिर्चें जाएंगी और टमाटर जाएंगे इसमें, और थोड़ा खड़ा गरम मसाला इसमें ऐड होगा। बहुत ज़बरदस्त दाल बनेगी। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी भी है, आप लोग सर्च कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। सलाद और वो घी वाली रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, इसमें थोड़ा ही है ना घी डलता है, घी डाल लें, ऑयल डाल लें। दाल जो होती है ना, मैं घी में बनाती हूँ, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। इसमें इतना घी नहीं डलता क्योंकि ये एकदम सूखी सूखी बनती है। तो अपने हिसाब से आप जितनी दाल बना रहे हो उतना ही इसमें घी या ऑयल यूज़ कीजिएगा। अच्छा देखें, थोड़ी प्याज मैंने निकाल ली है, थोड़ी सिमर रहने दी है। अब ये लहसुन अदरक हम इसमें और गोल वाली मिर्ची ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ ये इसमें मैं ये थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डालूंगी। इसमें काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी की एक स्टिक है, और इसमें हम फिर ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा। टमाटर, 2 टमाटर जाएंगे इसमें, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, वो काट लिए हैं। 1 प्याली मेरे पास मूंग की दाल है, तो आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा जितनी भी बना रहे हो। अब ये मसाला भून लेंगे, थोड़ा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि टमाटर गलेंगे और थोड़ी सी जाएगी इसमें, थोड़ी सी इसमें 1/2 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च जाएगी, 1/2 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको पकाऊंगी ताकि ये थोड़े टमाटरों का पेस्ट बन जाए, फिर अपनी दाल ऐड करके इसको दम पे रख देंगे बस। फिर हमारी बहुत अच्छी सी दाल रेडी हो जाएगी ये, और इसके ऊपर फिर हम बगरी हुई प्याज डालेंगे, ऊपर से हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने इसको रख दिया है जब तक टमाटरों का पेस्ट नहीं बन जाता। और जो मैं आज हंजई कबाब बनाऊंगी, तो आप लोग उसकी भी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और रमज़ान आ रहे हैं तो ये जो आज दाल बन रही है, तो सहरी के टाइम पर सूखी सूखी चीज़ें खाई जाती हैं, तो गोश्त वगैरह खा खा के भी दिल भर जाता है। तो ये है कि आप लोग ज़रूर रमज़ान में भी इसको बनाइएगा। आप हंजई कबाब की रेसिपी जो दूंगी वो भी ज़रूर आप लोग सेव करके रखिएगा। सेव करने का तरीका भी बताऊंगी इसको कि किस तरह से सेव करके आप हंजई कबाब को रख सकते हैं, ताकि सहरी में आप उसको निकालें, शैलो फ्राई करें, पराठों के साथ उसको इंजॉय कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बनेंगे वो भी। देखिए, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से इनका पेस्ट बन गया है। इसमें दाल ऐड करके इसको बिल्कुल स्लो आँच पर रखा जाएगा दाल को, ताकि वो यूँ ही जिस तरह हम चावल दम पर लेते हैं ना, इस तरह थोड़ा सा पानी डाल के बस ये दाल दम पे ली जाएगी। बस ये अपने इसी पानी में हम सिलो आंच पे दम पे आ जाएगी। ये मिक्स कर देती हूँ, ये मैं इसको बिल्कुल सिलो आंच पे रख दूँगी और ये इसी पानी में दम पे आ जाएगी, खिली खिली बनेगी बिल्कुल ये एकदम। आप लोग चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख दें ताकि लगे ना। मैं इसको बिल्कुल सिलो आँच पर रख देती हूँ, 5 से 10 मिनट में हमारी बहुत अच्छी सी ये फरेरी दाल रेडी हो जाएगी। फिर ऊपर से हम इस पर ये प्याज और बगरी हुई प्याज और ये हरा धनिया ऐड करेंगे।
देखें दाल का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इस पर जो प्याज मैंने बघाड़ के रखी हुई थी वो और हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी। मैंने हरा धनिया और भगरी हुई प्याज डाल दी है। देखें 10 से 15 मिनट में हमारी बहुत अच्छी सी ये फरेरी दाल रेडी हो चुकी है। देखें इस तरह खिली खिली बनेगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है आपने, नहीं तो ये फिर भिज सी जाएगी ना, तो फिर मज़ा नहीं आता इसको खाने में। चलें जी हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम आएंगे अपने हुंजई कबाब की रेसिपी की तरफ। अच्छा जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ हुंजई कबाब। हुंजई कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो जो है बोनलेस चिकन ली थी और उसमें मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड करके इसका मैंने ये कीमा बना लिया है। इसको पीस लिया और बारीक पीसूंगी। इसमें मैं प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना ये ऐड करूंगी। रोस्ट ओवा ज़ीरा और साबुत धनिया है ये जाएगा इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट है, सफ़ेद मिर्च है पिसी हुई मेरे पास, चिकन पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक ऐड करके हम इसको बहुत अच्छा सा पीस लेंगे। अच्छा जी देखें मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें चिकन पाउडर है, काली मिर्च का पिसी हुई है इसमें कुटी हुई और सफ़ेद मिर्च जो होती है वो मैंने ऐड कर दी है इसमें। अभी मेरे पास हरा मसाला है वो ऐड कर दूँगी और ये साबुत धनिया और ज़ीरा ये जाएगा इसमें। और इसके बाद मैं इसमें, ताकि हमारे कबाब सॉफ्ट और जूसी बने, आपके पास बटर है तो बटर डाल दें, मैं इसमें घी ऐड करूँगी। देखें ये एक चम्मच भर के, खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। सब चीज़ें डाल के अब हम इसको बहुत अच्छा सा पीस लेंगे। और देखें रमज़ान आ रहे हैं, आप लोग बना के फ्रीज़र में सेव करके इसको रख सकते हैं। तो ये है कि सहरी के टाइम पे आप लोग निकाल के पराठों से खाएं इसको, थोड़ा सा शैलो फ्राई करके तो बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा ये सब मैं रेडी कर लूँ, फिर इसमें हम कोयले का स्मोक देंगे। देखें ये हमारा रेडी हो चुका है। ये मैंने एक बॉल में निकाल लिया है इसको। अब मैंने थोड़ी सी इसमें ये भगरी हुई प्याज चूड़ा करके डाली है और इसमें मिक्स कर दूंगी। इसके बाद हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। कोयला मैंने बहुत अच्छे से गरम कर लिया है, इस पर थोड़ा सा अब हम ऑयल डाल के इसको स्मोक के लिए इसको रख देंगे थोड़ी देर, 5 मिनट इसको रखेंगे। अच्छा अब हम मैं रेडी कर रही हूँ ये हुंजई कबाब। अब इसको मैंने सीख पे लगाया है। आप थोड़ा हाथ में ऑयल लगा के इनको इस तरह सीखों में करके, इसके अपनी मर्ज़ी से आप लोग शेप भी दे सकते हैं इसको, लेकिन आप लोग सीख पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। ये इस तरह करके इसको निकाल लें और इस तरह बना के इनको फिर शैलो फ्राई हम करेंगे। और आपको सेव करने का बताऊँगी, अगर आपको इनको सेव करके फ्रीज़र में रखने हैं तो सीक पे लगा के आपने थोड़ा थोड़ा सा इनको चूल्हे पे सेक लेना है, ताकि और फिर इनको सीक में से निकाल के फ्रीज़र में आप बॉक्स में करके रख दें और जब भी आपको यूज़ करने हो तो आप निकालें और इनको शैलो फ्राई कर लें। तो आप लोग ये देखें और फिर इस तरीके से आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अच्छा आप इनको इस तरह मैंने बना लिए थे सारे किसी कबाब, इनको आप थोड़ा सा शैलो फ्राई करके भी इस तरह हल्के हल्के से इनको सेक के फ्रीज़र में बॉक्स में करके रख दें, और जब आपको यूज़ करने हो निकालें और थोड़ा सा इनको और फ्राई करें और इन्जॉय करें इसको।